दोस्तों अभी तक आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई का ऑप्शन नहीं मिला है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा आप रिप्लाई का ऑप्शन कैसे ला सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस मैसेज वाले सेक्शन पर जाना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अभी मेरे पास रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने स्वाइप अप करा तो रिप्लाई का ऑप्शन आ गया। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम कर सकते हैं रिप्लाई। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, अब इस पर मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो देखिए फ्रेंड्स रिप्लाई का ऑप्शन आ गया है। तो फ्रेंड्स मैं अभी प्रॉब्लम जनरेट कर लेता हूँ, मेरे में भी रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स फिर मैं आपको बताऊँगा आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है। फिर देखिए फ्रेंड्स आपके फ़ोन में हो सकता है ऐप्स के नाम से कोई फीचर हो, या फिर फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है आपके में ऐप हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स मेरे फ़ोन में दिया मैनेज ऐप्स का ऑप्शन, तो मैं मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, फिर उसके बाद आपको क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है इस तरह से। फिर उसके बाद आपको क्लियर ओल्ड डाटा पर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स फिर ओके पर क्लिक कर देना है आपको। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, फिर उसके बाद आपको प्ले स्टोर से ये इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है दोबारा से। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इंस्टाग्राम डाउनलोड हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इंस्टाग्राम डाउनलोड हो गया है, अब इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों ये हमारा इंस्टॉल हो गया है, अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपनी आईडी ओपन कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ अपनी आईडी ओपन। दोस्तों ये मेरी आईडी ओपन हो गई है, अब मैं आपको उसी अकाउंट पर दोबारा से मैसेज करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन आ रहा है रिप्लाई का या नहीं आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं अपने मैसेज वाले सेक्शन पर आ गया हूँ, अब मैंने राहुल पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं देखिए फ्रेंड्स मैं हाई पर स्वाइप अप करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है, अब देखिए फ्रेंड्स रिप्लाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स दोस्तों यही सेम टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आप भी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा आप इसे सही कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने एक बात नोटिस करी है, अगर नहीं करी तो देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स पहले हमारे फ़ोन में इस टाइप का ऑप्शन आ रहा था, देखिए फ्रेंड्स इंस्टाग्राम में मैसेंजर का, अभी ये मैसेंजर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब इसे वापस लाने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स वीडियो ध्यान से देखना, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं बैक आ जाता हूँ। फिर उसके बाद आपको प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है मैसेंजर, जो फ्रेंड्स फेसबुक का मैसेंजर होता है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, दोस्तों मैसेंजर डाउनलोड करने के बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा मैसेंजर डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये मेरा मैसेंजर डाउनलोड हो गया है, अब इंस्टॉल हो रहा है। देखिए दोस्तों मेरा मैसेंजर डाउनलोड हो गया है, अब मैं बैक आऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं अपना इंस्टाग्राम आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये अभी भी ऐसे ही आ रहा है, अभी भी देखिए फ्रेंड्स मैं आपको रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ, मैसेंजर मैंने हटा दिया, आपको अब दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैसेंजर का ऑप्शन आ गया है, अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर मेरे रिप्लाई का ऑप्शन भी आ गया होगा ऑटोमेटिक। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ओपन कर लिया, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन आ गया है। देखिए फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपके सामने लॉन्ग प्रेस करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ रिप्लाई का ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से रिप्लाई का ऑप्शन ला सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपका तब भी रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आता है तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको यहाँ का एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, जैसे ही दोस्तों आप हाई पर अपने पे लॉन्ग प्रेस करोगे रिप्लाई वाले ऑप्शन पर, तो आपको स्क्रीन शॉट ले लेना। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से लेना है, इस चीज़ का स्क्रीन शॉट लेना है करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल करके। दोस्तों मेरे में ऑलरेडी रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, जो ताकि आप सेम ऐसे ही करो तभी आपका रिप्लाई का ऑप्शन आएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको बैक आ जाना है, फिर यहाँ पे अपनी प्रोफाइल वाला आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको इस थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको हेल्प पर क्लिक करना है।
फिर उसके बाद दोस्तों आपको रिपोर्टा प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको रिपोर्टा प्रॉब्लम पर दोबारा से क्लिक करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको गैलरी में से जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा देना है आपको, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। फिर देखिए फ्रेंड्स मैंने लिखा, डियर इंस्टाग्राम टीम, आई हैव अपडेटेड माय इंस्टाग्राम अकाउंट बट आई एम नॉट एबल टू यूज़ रिप्लाई ऑप्शन ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज़ चेक एंड रिजोल्व दैट इशू। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद आपको एट द रेट लगा के अपना नेम लिख देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ थैंक यू लिख देना है या थैंक्स लिख देना है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। फिर उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपकी प्रॉब्लम 2 से 3 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है रिजोल्व हो जाएगी, आपको रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं इसी टाइप्स की वीडियोस लाता रहता हूँ।